ताकि यह इतिहास जो है हमारे कैमरे के जरिए सोशल मीडिया के जरिए शाम तक पूरी जनवरी को भी। तो बाल को लेकर आगे बढ़ा है सकाफ ऐसा और खूबसूरत चलने के बाल को लेकर आगे बढ़ा तो बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं सारी तो फिर से बाल को वापस करने में कामयाब मुस्तफा मुस्तफा बाल को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे पूरी तरह शॉट नहीं मार सके फिलहाल फिलहाल बाल को लेकर आगे बढ़ने के लिए कामयाब जोरदार शॉट के साथ फिलहाल ने बाल को आगे बढ़ाया है तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त तीर निकलता हुआ इस खूबसूरत एक शॉट के साथ बाल गोल लाइन की तरह जा रहा है यहाँ दिखाई प्लेयर लेकिन बाल को रोकने में कमी साहब तो ये थे मेरे साथी कमेंटेटर अमीन साहब तो चलता हुआ यहाँ दोनों टीमों के दरमियान सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां तशरीफ़ लाए इस ख़ास मोमेंट को कैप्चर करने के लिए इसका मकसद यही क्योंकि आप जानते हो कि इस वक्त हम दुनिया के दूसरे सरतरीन इलाके द्रास के इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड में बैठे हैं जहां पोलो मैच एग्जीबिशन पोलो मैच यहां द्रास के मुख्तलिफ़ टीमों के प्लेयर्स के दरमियान खेला जा रहा है इसका मकसद यही है कि क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि 26 जनवरी को जो है आज से 60s-70s में जो है सुना था कि बर्फ़ ना आने के कारण जो है 26 जनवरी को पोलो और पोलो के रेस वगैरह कराए गए थे लेकिन उसका कोई सबूत तब क्योंकि तब तो मीडिया का दौर नहीं था तो कुछ का कोई भी अभी तक हमें फुटेज या वही नहीं मिला लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना उस मौके को आगे बढ़ाते हुए आज 27 जनवरी को एक रिकॉर्ड बनाएँ हम क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त 27 जनवरी दिन के 12 से 1 बजे का टाइम है और यहाँ पोलो मैच चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद यही था कि आने वाले जनरेशन को हम ये बता सकें कि ग्लोबल चेंजिंग कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है द्रास के दूसरे सरतरीन इलाके में भी हुआ है जिसकी वजह है कि अभी प्लस टेम्परेचर यहाँ पे है और हम पोलो खेल रहे हैं वरना नॉर्मली अगर द्रास को 27 जनवरी में आप देखें तो 4 से 5 फुट यहाँ बर्फ़ होना चाहिए और -20 से 30 डिग्री यहाँ की सर्दी होनी चाहिए जिसका बिल्कुल आज एकदम से उलट आप नज़र आ रहे हैं कि तपती हुई धूप में लोग पोलो का मुकाबला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आने वाली जनरेशन को ये एक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि 27 जनवरी 2024 को भी हमने इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड द्रास में पोलो खेला था तो आज हमें ये खुशी गर्व है कि हमने कल 26 जनवरी को ये मैच खेलना था तो हमें कल 26 जनवरी के नीचे प्रोग्राम होने के नाते हमें यहाँ खेलने में दुश्वारी हुई इसलिए आज हम 27 जनवरी को हमने ये पोलो आज हमारे अपने पोलो ग्राउंड में खेला है घोषण में जो कि पहले हमारा कुछ कहना था कि पहले के कुछ लोगों ने 26 जनवरी को पोलो खेला था इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड या कुछ था ही नहीं तो इसलिए आज हमने 2024 को 27 जनवरी को आज पहली बार जो है ये हमने पोलो खेला है घोषण बल्दिक में 26 जनवरी की खुशी पे तो इसलिए आप लोगों उसका बिल्कुल थैंक यू करता हूं मैं आप मीडिया वालों का कि आप लोग इतने दूर से यहां आए हो और हमारे इस पोलो को आप लोग हर जगह रिव्यू कर रहे हो।